नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात सबसे पहले हाथरस की करेंगे, क्योंकि सीबीआई ने अब मामला अपने हाथ में ले लिया है, जांच शुरू कर दी है। कल ही गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिली थी सीबीआई जांच की। 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच का ऐलान किया था। कल जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, सीबीआई अपनी तरफ से अलर्ट हो गई है और अब जल्दी एफआईआर दर्ज होगी। अभी तक बता दें, इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी ही जांच कर रही है। 10 दिन और एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया था। 40 ऐसे लोग गांव के, उनकी सूची तैयार कर बकायदा उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि आज से सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर करने वाली है। अभी तक एसआईटी जांच कर रही थी। एसआईटी ने अभी तक की जांच में, अभी तक की तफ्तीश में जो कुछ भी पाया है, वो सारी चीजें अब सीबीआई को सौंपनी होगी। सीबीआई पूरी जानकारी लेगी और फिर आगे की जांच शुरू होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि किसने किया हाथरस की बिटिया का कत्ल? सामने आएगा बिटिया के साथ हुई हैवानियत का सच, सामने आएगी हाथरस में हुई क्रूरता की एक एक कहानी। अब खुलेगी हाथरस में हुई साजिश की हर परत, क्योंकि सीबीआई ने हाथरस केस की जांच अपने हाथ में ले ली। अब तक हाथरस की बिटिया के साथ हुई हैवानियत की जांच योगी सरकार की बनाई गई एसआईटी कर रही थी। एसआईटी ने बकायदा पीड़ित परिवार के घर के बाहर डेरा डाल रखा है। पीड़िता के घर के बाहर एसआईटी ने कंट्रोल रूम बना रखा है, मगर अब एसआईटी से जांच का जिम्मा सीबीआई ने ले लिया है। हाथरस केस में पीड़ित परिवार शुरू से ही कह रहा था कि उसे पुलिस और एसआईटी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद योगी सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। सीबीआई जांच के लिए मंत्रालय से हरी झंडी मिली। अब सीबीआई इस मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज करेगी। सीबीआई के सामने चुनौतियां कई हैं, क्योंकि हाथरस मामले में अलग अलग तरह की आवाजें उठ रही हैं। एक तरफ पीड़ित हैं जो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्यायिक जांच पर ही भरोसा है। दूसरी तरफ हाथरस कांड के जरिए दंगा फैलाने तक के आरोप सामने आ रहे हैं। ऐसे में सीबीआई हर पहलू की पड़ताल करेगी और हाथरस का सच सामने लाएगी। जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। महाराष्ट्र के बारामती में सांप तस्कर से एक सांप मिला है, जिसकी कीमत पूरे 40 लाख रुपए बताई जा रही है। मॉरिशस प्रजाति का यह सांप काफी दुर्लभ है। आरोपी इस दुर्लभ सांप को बेचने आया था। काले जादू में इस सांप का इस्तेमाल होता है। पुलिस ने सांप को वन महकमे को सौंप दिया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात अब करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर आदर्श नगर इलाके में गुरुवार को एक 18 साल के लड़के की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात से पहले आरोपियों ने युवक को फोन कर बाहर बुलाया। अब पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि लड़के की हत्या दोस्ती की वजह से हुई। मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली, हर तरफ चहल पहल, हर चौक चौराहे पर पुलिस की नजरें। क्राइम को काबू में करने का दावा ऐसा कि स्कॉटलैंड यार्ड के पसीने छूट जाए। लेकिन हैरत होगी, इसी दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे एक 18 साल के लड़के की सरे बाजार पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एक झटके में इस परिवार का सब कुछ चला गया। जवान बेटी की मौत को बर्दाश्त करना मुश्किल है। माँ अपने इकलौते बेटे की बेरहमी से हुई हत्या से बदहवास हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं। ये तस्वीर मृतक राहुल राजपूत की है। राहुल दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था। 7 अक्टूबर की रात को राहुल को कुछ अनजान लोगों ने फोन कर बाहर बुलाया। जैसे ही राहुल बाहर आया, उसे 4 से 5 लोगों ने घेर लिया, घर से थोड़ी दूरी पर ले गए। वहां 10 से 12 बदमाश पहले से खड़े थे। सभी ने उसे बुरी तरह पीटा और उसे अधमरा कर मौके से फरार हो गए। ये वारदात सरेआम की गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो किसी तरह गिरता पड़ता घर पहुंचा,
तो उसकी हालत कुछ देर में ही बिगड़ने लगी। परिवार वाले आनन फानन में उसे लेकर अस्पताल गए, जहां उसकी मौत हो गई। नहीं, हमें कुछ नहीं पता था, जो बस कॉल आई थी घर पर कि मैं ट्यूशन की मतलब ट्यूशन की बात करनी है, आप बाहर आ जाओ, तो बाहर ही गया था। उसको भी नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला था, पर मैं ये चाहती हूँ उनके साथ कड़े से कड़े लिया जाए, उनको सजा होनी चाहिए। अभी तो नाबालिग होकर ऐसे काम कर रहे, बालिग होने पर तो क्या करेंगे वो। ये है कि वो जैसे मतलब बंदे मारने के लिए ही आए थे, अपना पूरा प्लान बना के मतलब तरीके से, कुछ इधर खड़े हुए, कुछ इधर खड़े हुए, आगे जाके सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने इकट्ठे होके 10 से 15 बंदे बता रहे हैं, कह रहे 10 से 15 बंदे थे जिन्होंने मारा था। मतलब उन्होंने मारा इस तरीके से कि मतलब बंदे को बाहर से भी चोट ना आए और किसी को पता भी ना चले। वहां देखने को कम से कम 150 आदमी खड़े हुए देख रहे थे, लेकिन आज की डेट में कोई ये नहीं कह रहा कि हमने देखा है। कोई मदद करने आगे नहीं आया। बदमाशों की हिम्मत भी देखिए, उन्हें किसी का डर नहीं था, दिल्ली पुलिस का तो कतई नहीं। आगे मामले की छानबीन हुई तो इस वारदात की वजह का खुलासा हुआ, जो और चौंकाने वाला था। दरअसल 18 साल के राहुल को एक लड़की से दोस्ती करने की सजा मिली थी। लड़की के परिवार वाले इस दोस्ती के खिलाफ थे। पुलिस ने हत्या के आरोप में जहांगीरपुरी के रहने वाले मनवार हुसैन और मोहम्मद अफरोज को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 3 नाबालिग आरोपियों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया जिससे अज्ञात शख्स ने फोन कर राहुल को घर से बाहर बुलाया था। नंबर ट्रेस के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। दरअसल लड़की और लड़का दोनों एक ही इंग्लिश इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। अक्सर इंग्लिश में जब भी कोई दिक्कत आती लड़की को वो मदद करता था, और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई। लेकिन ये दोस्ती एक दिन प्यार में बदल जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। वीडियो कॉलिंग के जरिए लगातार एक दूसरे के बारे में हालचाल लेते, एक दूसरे की भावनाओं को समझते। जब कभी भी राहुल मायूस होता लड़की उससे पूछती कि उसकी मायूसी की वजह क्या है, लेकिन आखिरकार इस स्टोरी का अंत हो गया। राहुल की हत्या का आरोप लड़की के भाई और परिवार वालों पर है। पुलिस ने राहुल की दोस्त का बयान भी दर्ज किया है, जिसमें उसने हिम्मत दिखाते हुए अपने परिवार के खिलाफ ही बयान दे दिया। लड़की को अब अपने परिवार से ही खतरा है, लिहाजा उसे पुलिस ने नारी निकेतन में शिफ्ट करना बेहतर समझा। लड़की ने बातचीत में साफ तौर पर खुलासा किया है कि जब ये घटना हुई तब उसने इस बात की इत्तला आसपास के लोगों से की, ताकि उस तक मदद पहुंच सके, उसे बचाया जा सके। बावजूद इसके मदद के कोई हाथ नहीं बढ़े, और नतीजा इस पूरे वाक्य में राहुल की मौत हो गई। अब लड़की सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहती है। हाँ, उसने ये जरूर कहा कि हाथरस जैसा राजनीतिकरण इस मसले का नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। मामला संवेदनशील है, इलाके में हत्या को लेकर तनाव है, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है, आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, मुमकिन है उन्हें सजा भी हो जाए। लेकिन उस परिवार के बारे में सोचिए जिसका इकलौता बेटा किसी की सनक का शिकार हो गया। कुमार कुड़ाल के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। और इस वारदात के बाद मृतक की दोस्त ने परिवार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, और इस लड़की ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए पुलिस के सामने परिवार की पूरी साजिश खोल कर रख दी। अब परिवार वाले उसी के खिलाफ हो गए हैं। आज तक समाचार रामकिंकर ने लड़की से बात की। बताएंगे क्या कि जब ये घटना हो रही थी तब आप उस वक्त साथ थी, क्या कुछ हुआ था, पूरा घटना सिलसिलेवार बताइए। 7 तारीख की बात है, मैं और राहुल पूरे दिन साथ में थे। राहुल की तबीयत ठीक नहीं थी। 6 बजे के करीब शाम को मेरे मामा के लड़के का फोन आता है मेरे नंबर पे, कहते हैं राहुल का नंबर नहीं लग रहा है। शहनवाज नाम है मेरे मामा के लड़के का, कह रहे राहुल का नंबर नहीं लग रहा है। मैंने उसको बताया राहुल की मम्मी ने उसका फोन बेच दिया है, तो कह रहे कोई अदर नंबर है तो दे दे, मैं उसकी चाची का नंबर देती हूँ। वो चाची के नंबर पे कॉल करते हैं और राहुल को मिलने के लिए बुलाता है। राहुल कहता है मैं जाऊं या ना जाऊं कॉल कट करने के बाद। मैं कहती हूँ 5 मिनट के लिए चल लेते हैं, बात कर लेंगे। मैं उसको बाहर निकल के शहनवाज को कॉल करती हूँ, कहती हूँ राहुल 5 मिनट के लिए मिल लेगा। वो बुलाते हैं मिलने के लिए, फिर राहुल को मारना शुरू कर देते हैं। आपके सामने क्या उन्होंने मारा? मेरे सामने वो मारते, मैं उसको बचाती हूँ, फिर भी वो नहीं सुनते। मैं उन्हें बार बार कहती हूँ राहुल की तबीयत ठीक नहीं है, मत मारो उसे, मत मारो। कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। मुझे ये हुसैन और शहनवाज की प्लानिंग लग रही है, क्योंकि लड़ाई में राज कहता है मैं बहुत दिनों से इस फिराक में था, कब तू मिलेगा, और उसको बहुत मारते हैं।
वहां पे कितने लोग शामिल थे मारपीट में, लगातार उसे पिटाई कर रहे थे? मारपीट में मेरा सगा भाई राज, मेरे मामा का लड़का शहनवाज, मेरे दूसरे मामा का लड़का कैफ, मेरी गली का लड़का ताजुद्दीन जो रिश्ते में लगता है दुर्गा, और शहनवाज का फ्रेंड हुसैन, और हुसैन के 3-4 गुंडे फ्रेंड होते हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता। 5 लोग पकड़े गए, 3 लोग अब तक पकड़े नहीं गए, पता नहीं पुलिस क्या कर रही है। अब ये भी निकल के आ रहा है कि आपने पुलिस से भी बचाने की गुहार लगाई थी उस वक्त, क्या वहां पर पुलिस मौजूद थी जब ये घटना हो रही थी? जहाँ पे घटना हो रही थी उससे 1 मिनट की दूरी पे ही छोटा सा पुलिस स्टेशन होता है। मैं भाग के वहां पर जाती हूँ, मैं कहती हूँ वहां पे मारपीट हो रही है आप चलो, कोई नहीं जाता है, कहते हम क्या करें मारपीट हो रही है तो अब यहाँ जाओ वहां जाओ, बस ऐसे ही करते हैं। मास्टर माइंड जो है वो शहनवाज मेरे मामा का लड़का और शहनवाज का फ्रेंड हुसैन है, क्योंकि राहुल को मैं और राहुल घूम रहे थे 1-1.5 महीने पहले पार्क में, उन दोनों ने हमें देखा था। हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने की जो जंग शुरू हुई थी वो जंग इंसाफ की मंजिल की ओर एक कदम और आगे बढ़ गई है। अब तक इस मामले की जांच योगी सरकार की बनाई एसआईटी की टीम कर रही थी, लेकिन अब हाथरस मामले में बिटिया के साथ हुई हैवानियत की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। सामने आएगा बिटिया के साथ हुई हैवानियत का सच, सामने आएगी हाथरस में हुई क्रूरता की एक एक कहानी, अब खुलेगी हाथरस में हुई साजिश की हर परत, क्योंकि सीबीआई ने हाथरस केस की जांच अपने हाथ में ले ली। अब तक हाथरस की बिटिया के साथ हुई हैवानियत की जांच योगी सरकार की बनाई गई एसआईटी कर रही थी। एसआईटी ने बकायदा पीड़ित परिवार के घर के बाहर डेरा डाल रखा है, पीड़िता के घर के बाहर एसआईटी ने कंट्रोल रूम बना रखा है, मगर अब एसआईटी से जांच का जिम्मा सीबीआई ने ले लिया है। हाथरस केस में पीड़ित परिवार शुरू से ही कह रहा था कि उसे पुलिस और एसआईटी पर भरोसा नहीं है, उसके बाद योगी सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। सीबीआई जांच के लिए मंत्रालय से हरी झंडी मिली, अब सीबीआई इस मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज करेगी। सीबीआई के सामने चुनौतियां कई हैं, क्योंकि हाथरस मामले में अलग अलग तरह की आवाजें उठ रही हैं। एक तरफ पीड़ित हैं जो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्यायिक जांच पर ही भरोसा है, दूसरी तरफ हाथरस कांड के जरिए दंगा फैलाने तक के आरोप सामने आ रहे हैं। ऐसे में सीबीआई हर पहलू की पड़ताल करेगी और हाथरस का सच सामने लाएगी। जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। यूपी पुलिस की एसआईटी कई दिन से हाथरस कांड की जांच कर रही थी, तमाम लोगों से सवाल किए गए, लेकिन यूपी पुलिस से लेकर एसआईटी की जांच तक ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर किसने किया है हाथरस की बिटिया का कत्ल? ये लोग, इन लोगों ने पहले से साजिश रची होगी। मैं, मेरे बेटे निर्दोष हैं। फांसी चाहिए हमें तो। ये झूठा इल्जाम लगाए हो, देख दोषी हो तो सजा दे। हाथरस कांड को 26 दिन हो गए, पहले जिले की पुलिस, फिर यूपी पुलिस की तेज तर्रार एसआईटी, और अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। हाईकोर्ट भी मामले में दखल दे चुका है, सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पूरे देश की नजर इस पर है कि इस रहस्यमय मामले में आखिर सच क्या है। अब तक इस सवाल का जवाब सामने आना बाकी है कि पीड़िता को बर्बर तरीके से मारने वाला कौन था और पीड़िता को इंसाफ कैसे मिलेगा। अब तक मामले की जांच एसआईटी कर रही थी, 14 सितंबर का सच जानने के लिए जो एसआईटी मशक्कत करती रही उसके निशाने पर थे पूरे 40 लोग। जी हां, गांव के 40 लोगों से सवाल किए गए या किए जाने हैं। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके,
विष्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। उस दिन खेतों में काम करने वाले लोगों से लेकर आसपास के खेत वाले भी इन 40 लोगों में शुमार हैं। आरोपी और पीड़िता के घर वाले तो इनमें हैं ही। अब आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो सवाल जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। 14 सितंबर को खेत में लड़की को किसने मारा? लड़की ने पहले दिन वाले बयान में बलात्कार की बात क्यों नहीं की? लड़की ने आखिरी बयान में बलात्कार की बात की, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट उल्टी क्यों है? 29 सितंबर को उसकी मौत के बाद आनन फानन में रात के अंधेरे में उसकी लाश क्यों जला दी गई? क्या किसी सच को छुपाया जा रहा है? सबसे ज्यादा पेचीदगी इस आधी रात के अंतिम संस्कार की वजह से ही आई। ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली, इस वक्त पे करीब 3 बज रहा है रात का, और पुलिस फोर्सफुली बिना किसी परिवार के सदस्य के प्रेजेंस के बिना यहाँ पे बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया। जिस सच की तलाश में SIT जुटी थी, अब उसी की तलाश CBI करेगी। SIT की अब तक की पड़ताल से जाहिर तौर पर CBI को मदद भी मिलेगी, लेकिन एक बड़ा पेंच ये भी है कि पीड़िता के परिवार को CBI जांच पर ही भरोसा नहीं है। CBI हाथरस में पहुंचेगी, इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो आप लोग को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है CBI पे भी? सर, CBI पे नहीं भरोसा, नहीं है भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं। CBI नहीं चाहिए तो फिर कौन जांच करेगा? कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए। मुझे नहीं पता मैम, CBI जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। CBI जांच नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रहकर ये फैसला होना चाहिए। अब CBI को चश्मदीदों से लेकर फॉरेंसिक जांच जैसे सबूतों के आधार पर सच तक पहुंचना होगा। काम आसान नहीं है, लेकिन देश की सबसे पेशेवर जांच एजेंसी तह तक पहुंचेगी, इसका यकीन किया जा सकता है। लखनऊ से अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। यूपी के बागपत शहर में यमुना में एक साधु की लाश मिली है। उसके शरीर पर चोट के कई निशान हैं। फिलहाल साधु की शनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि किसी ने बेरहमी से साधु का कत्ल करने के बाद लाश को यमुना में बहा दिया। करौली में पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में सियासी बवाल के बीच यूपी के बागपत से एक ऐसी खबर आई जिससे सनसनी मच गई। दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर बागपत शहर में यमुना में एक साधु का शव मिला। नदी में अज्ञात साधु का शव तैरता नजर आया तो इलाके में हड़कंप मच गया। तमाम कोशिशों के बावजूद साधु की शिनाख्त नहीं हो पाई है। साधु के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि साधु की पीट पीट कर हत्या की गई है। शव 4 से 5 दिन पुराना है। पुलिस फिलहाल हत्या के साथ साथ आत्महत्या के एंगल से भी जांच कर रही है, लेकिन हालात को देखते हुए कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन, आखिर पुलिस सुसाइड के एंगल से भी क्यों पड़ताल कर रही है जबकि शव पर चोट के कई निशान हैं? क्या साधु की पीट पीट कर हत्या की गई? क्या साधु पर कातिलाना हमला किसी साजिश का हिस्सा है? क्या साधु संत निशाने पर हैं? और आखिर 5 दिन तक इस घटना का पता क्यों नहीं चला? पुलिस फिलहाल साधु की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। जाल में जो आकर के एक अज्ञात शव वहां फंसा, उसकी सूचना पे वहां कोतवाली पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। शव जो है साधु के जैसा लग रहा है, लगभग 50 वर्ष इसकी उम्र है और भगवा कपड़े पहने हुए है। शव को निकाल करके पंचनामा भरकर उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, शनाख्त कराई जा रही है। माना जा रहा है कि हत्या करके शव को यमुना में बहाया गया। करौली पर सियासी बवाल के बीच यूपी पुलिस के लिए इस कांड का सच जल्दी से जल्दी सामने लाना भी नई चुनौती है। बागपत से दुष्यंत त्यागी, आज तक। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर
जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।